आप लोग का स्वागत है बाबू स्टडी पॉइंट के चैनल को। आज हम लोग बाबू ग्रामर के पोर्शन को आगे बढ़ाते हुए आज क्या देखेंगे, ग्रामर पहले देखेंगे, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। ठीक है, चलिए आज सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाबू ग्रामर। ठीक है, आज फिर हम लोग क्लास चालू करते हैं। ग्रामर क्या होते हैं, चलिए ग्रामर मीन्स क्या होते हैं बाबू, ग्रामर मीन्स क्या होते हैं, व्याकरण। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, कहते हैं बाबू ग्रामर किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि व्हाट इज ग्रामर, आप क्या बताइए, बोलिए व्हाट इज ग्रामर। तो देखिए एकदम छोटा सा इसका डिफिनेशन दे दीजिए बाबू कि ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स। ठीक है बाबू, विच जो वी लर्न, विच वी लर्न, यानी जो हमें लर्न मतलब सिखाता है। करेक्ट राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड टीचिंग, एंड टीचिंग। कोई दिक्कत इसमें बाबू, बोलिएगा। कहता है बाबू कि ग्रामर इज ए सेट ऑफ रूल्स विच वी लर्न, करेक्ट राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड टीचिंग। अब इसको हिंदी में लिख कर देख लेते हैं बाबू। कहता है कि व्याकरण, व्याकरण एक नियमों का समूह है, समूह है। ठीक है बाबू, जो हमें करेक्ट मीन्स क्या होता है बाबू, शुद्ध, सही सही ना बाबू, शुद्ध शुद्ध पहले क्या है, लिखना। इसको इधर उधर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना है बाबू, लिखना, उसके बाद पढ़ना, बोलना, अवर्ड अवर्ड पढ़ाना सिखाता है, पढ़ाना सिखाता है। ये क्लियर हो गया बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, ये तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे अब किस पे बाबू, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे चलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं बाबू पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, क्योंकि ये जो कहता है बाबू ये सेट ऑफ रूल्स, तो इन ये रूल्स जो है बाबू आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ने को मिलेंगे। तो आइए अब देखते हैं बाबू हम लोग सीधे पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका हिंदी क्या होता है बताइए, इसको कहते हैं बाबू शब्द, क्या कहते हैं इसको, शब्द। ओके ठीक, शब्दभेद इसको कहते हैं बाबू। अगर आपसे कोई कहे बाबू कि व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आप क्या बताइए, बोलिए बताइए। अगर आपसे कोई कहे व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आप क्या कहिएगा, तो हम इसका जवाब बाबू देखो इसका अनेकों परिभाषा मिलेगा। जैसे कहता है बाबू कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू एट ग्रुप्स, ग्रुप कहिए या क्लास, एट ग्रुप या क्लास, इनटू एट ग्रुप्स अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द वर्ड, अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस, इन ए सेंटेंस,
sentence. ठीक है बाबू, कहता है कि all the English words, यानी अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं, आर डिवाइडेड, यानी उनको बांटा गया है इनटू एट ग्रुप्स, यानी आठ भागों में, अकॉर्डिंग, द्वारा, अनुसार, टू द वर्क, यानी उनके कार्य के अनुसार, किसमें बाबू, दे डू इन ए सेंटेंस, यानी एक वाक्य में अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं उनको आठ भागों में बांटे हैं उनके कार्य के अनुरूप। ठीक है बाबू, तभी ना कहते हैं कि ये मेरा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है बाबू, बताते हैं ना, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, पोजेसिव प्रोनाउन, ये सब हम बताते हैं ना, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं, कोई दिक्कत? इसको और एक और परिभाषा कह सकते हैं बाबू, इसमें थोड़ा सा हेर फेर कर हम बना सकते हैं बाबू, कहता है ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश, ठीक है बाबू, इंग्लिश ग्रामर, या ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश, ठीक है बाबू, आर डिवाइडेड, आर डिवाइडेड, ठीक है बाबू, आर डिवाइडेड इनटू एट क्लासेस, यहां पे भी एस लगा दीजिए, क्लासेस कर दीजिए, ओके, एट क्लासेस अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द वर्क, अकॉर्डिंग टू द दे डू इन अ सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, सेम वही चीज है, हम लोग देखिए, अब यहाँ पे हमने बाद में पहले अंग्रेजी लिखा है, यहाँ पे हमने क्या बाद में, लेकिन अर्थ दोनों का क्या निकल रहा है, सेम निकल रहा है, इसी को हम लोग बाबू अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ ऐसा भी ना होना चाहिए कि अर्थ का अनर्थ कर देगा तो हमारा वाक्य नहीं होगा। अब इसको अब हम हिंदी में क्या परिभाषा देंगे बाबू, कि अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, जितने भी शब्द हैं उनको वाक्य में कार्य एवं प्रयोग के विचार से, प्रयोग के विचार से आठ भागों में बांटा गया है, आठ भागों में बांटा गया है, ओके बाबू, जिनमें से, जिनके, चाहे जिनमें से का जिनके प्रत्येक भाग को, प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, कहते, कोई दिक्कत है बाबू, इसमें बोलिए, इतना में कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए ठीक है बाबू, आप लोग इसको नोट करें।